आओ मुकेश जाइए, इसके बाद कर लेना ना, थोड़ा बंद कर देना। ये करो ना, ऑटो पे वो मारो ऑटो पे। आप उसके ये ना होते तो कैसे करेंगे? ये ऑटो भी है, पूछ के पूछ के क्या होगा इसके ऑटो भी है। अपने बदतमीज लड़के को लेकर मेरे घर से फौरन दफा हो जाओ। I'm sorry dad, मैं शिवा को नहीं भूल सकती। After all, my dad is a politician. इंसान हूँ मेरी जान। उन्हें बंदूक तो चलाना आता है मगर उनका निशाना कभी भी सही नहीं। आप लोगों की ताकत ही मेरी ताकत है। बहुत बड़ा फैसला करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कब तक भागोगे मुझसे? या तो तुझे पाना है या फिर मर जाओ। 10 साल बीत गए हैं, तुम्हें शहर का पुल नहीं बना सके, तो पावर की बात करते हो? डॉक्टर साहब से अरे आप
अली सर क्या कहना चाहेंगे आप आए हैं मुबारकबाद में ये है दिल का यह है गद्दार ये गद्दार दिल को आज मतलब मुबारकबाद देने आए हैं धनंजय जी के बुलावे पे डायरेक्टर साहब को चिन्मय जी को सर को इसका जो एक्टर्स हम सबको मैं बधाई दिल से देना चाहूँगा मैंने सीधे जो है जयपुर से आई रंगी के लिए ये प्रोग्राम के लिए सुबह दिल्ली जाए एक अच्छी फिल्म बनी जैसा कि मैंने सुना है और ऐसी फिल्में चलनी चाहिए ताकि न्यू कॉमर्स को हम जैसे लोग काम मिलता रहे कुछ भी जी आप क्या करना चाहेंगे आपने फिल्म का कुबेर रत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी इस फिल्म के लिए जिसका नाम है ये गद्दार दिल आई हैव सॉन्ग अ सॉन्ग इन दिस मूवी व्हिच इज अ वेरी रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल सॉन्ग सो हियर आई केम फॉर माय बेस्ट विशेस आपने काफ़ी अच्छा अभिनय किया फिल्म में क्या करना चाहेंगे कैसा लगता है मेरे डायरेक्टर्स ने जो सजेशन दिया मेरे को उन्होंने बहुत अच्छा मुझे एडवाइस किया और सब कुछ अच्छा कर पाया जी मुझे इस वाले और बाकी लिरिक्स वगैरह लिखे हैं मैंने कंटेंट मेरे कैसा अनुभव था फिल्म बनाने के दौरान कितना मजा लगता है नहीं फिल्म तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है और जहाँ तक जैसे कबीर जी ने बोला कि लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद हमने बहुत अच्छा ये किया है और सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं और इनफैक्ट आप फिल्म की कहानी भी देखेंगे तो काफ़ी है सस्पेंस ड्रामा अच्छा खासा है आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में सब काफ़ी अच्छी बनी है और सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच अली भाई आए मेरे इवेंट में मेरे इन्वाइट किया क्योंकि जयपुर से सर आज ही आए और मेरे इवेंट के लिए बिना आराम किए सर यहाँ पे आ गए तुरंत में थैंक यू सो मच और यही गद्दार दिल को मैं वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहा हूँ फर्स्ट समय में और दूसरी फिल्म भी हम अनाउंस कर रहे हैं आज पत्थर की महबूबा जिसके सॉन्ग्स बहुत जल्द रिकॉर्ड होने वाले हैं और ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनी आपने प्रोमो देखा ही होगा आपको पसंद आया राइट सॉन्ग्स कैसे लगे आपको अच्छे थे म्यूजिक अच्छे जी तो बस उम्मीद है कि फिल्म काफ़ी अच्छी चलेगी थैंक यू आप सर कुछ कहना चाहेंगे सर जी अभी तो मैं अपकमिंग एक्टर में हूँ और मैंने ये है गद्दार दिल जो प्रोमो फिल्म सॉन्ग्स जो भी सुना काफ़ी बेहतरीन है आउट ऑफ द बॉक्स है तो आउट ऑफ द बॉक्स जो सोच रखते हैं वो काफ़ी उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है तो आई ब्लेस दैट कि पत्थर की महबूबा आज हमारी नई फिल्म भी आने वाली है और ये है गद्दार दिल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सो दैट एक सक्सेस करें थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा पूरा ग्रुप नहीं आना चाहिए और थोड़ा पीछे जाओ पता पीछे जाओ तो पीछे जाओ थोड़ा और पीछे जाओ भाई लंबा ग्रुप है सर 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 बीच में आ जाओ सर रेडी दादा थोड़ा पीछे आ जाओ थैंक यू देखो बस रनिंग की शॉट रनिंग की शॉट बोलना Thank you.
भाई करना चलो रोल या रोल 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 मैं सब कैमरा लुक दीजिए प्लीज फिल्म पे टेलर काफ़ी अच्छा था कैसा अनुभव था काम करने का फिल्म में किस तरह का विषय है और क्या किरदार निभाने को आप फिल्म को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी पूरी टीम को इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप आइए और थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें एंड सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है सो सिर्फ यही कहना है कि प्लीज़ आइए एंड जस्ट वॉच क्योंकि फिल्म की नाम ही इतना कहते इतना यूनिक है मतलब मैंने जैसे सुना मैंने बोला वाह क्या नाम है लाइक इससे पहले कभी हमने सुना ही नहीं है लोग गाने की काफ़ी तारीफ करें तो आपने गाना सुना क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग इनका गाना बहुत ही अमेजिंग है मैंने कोई इनफैक्ट मैसेज के बताया था आपको राइट कि गाना बहुत ही अच्छा है सो या इट्स वेरी नाइस व्हाट आर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और क्या किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और क्या रोल निभा रहे हैं उसमें व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स आप अपनी अभी आई एम डूइंग लाइक शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज कर रही हूँ और म्यूजिक वीडियो जो आजकल जस्ट रिसेंटली रिकॉर्ड वेब सीरीज तो चली रही है आजकल वेब सीरीज का टाइम आ चुका है तो ज़्यादातर मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ बट ऑफकोर्स उसके साथ साथ टी वी हो फिल्म हो जो भी मिले लाइक आई एम वेरी न्यू कर मेरे को जो भी अच्छा काम मिलता है अच्छा कैरेक्टर मिलता है मैं वो सब कुछ करती हूँ सो अभी लाइनअप है दो तीन चीज़ अभी देखते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों को एक बड़ा धमाका भी मिलने वाला है सो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को पहले बताऊँगा मैं जा रहा हूँ बचपन से बिल्कुल पहले ये हो जाने दिया मेन तो ये पहले मेन तो ये हेलो एवरीवन प्रोड्यूसर है कुबेर अत्री उन्होंने इस फिल्म में मेन लीड भी किया है एक्टिंग तो आपने इनकी देखी काफी अच्छी एक्टिंग की है और प्रोड्यूसर भी वो इस फिल्म के खुद ही हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जिमी जायसवाल इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया बहुत खूबसूरत ट्रेलर और बहुत चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं मरीना कुंवर एक्ट्रेस एंड मॉडल वो हमारे बीच में है अली खान जी जो कि बहुत बहुत जाने माने बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं प्लीज पुट अ हैंड्स टुगेदर फॉर अली खान जी रमेश गोयल जी वो भी बॉलीवुड के बहुत जाने माने एक्टर हैं उनके लिए भी प्लीज तालियां हो जाए टीना घई जो कि सिंगर एंड एक्ट्रेस हैं उनके लिए भी प्लीज जोरदार तालियां हो जाए और साथ ही साथ आज मुहूर्त भी है पत्थर की महबूबा जो कुबेर अत्री जी की नेक्स्ट मूवी है जैसा कि आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा ट्रेलर के हिसाब से मूवी बहुत अच्छी होगी तो आई होप कि जो नेक्स्ट फिल्म है पत्थर की महबूबा वो भी काफी अच्छे जाने वाली है उसके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कुबेर अत्री जी के लिए जिन्होंने एक्टिंग भी काफी अच्छी की है और प्रोड्यूसर भी है वो इस फिल्म के
आप आगे आ जाए बहुत लंबा हो गया कोई नहीं आ रहा था खींच ले इधर देखिए फोटो ले ले फोटो पहले रेडी सर हाँ रेडी रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन रमेश जी कहाँ हैं अरे कुबेर अत्री मेरा प्रोड्यूसर अरे तो आई मेरे आई सीधा कर लीजिए ऊपर से स्ट्रेट कर लीजिए सीधा सीधा रखिए यस थोड़ा आगे नीचे नीचे और करिए नीचे ऐसे ऐसे और नीचे तो और नीचे नीचे जाने दो नीचे नीचे हां यस 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 फैल जाइए प्लीज कम हाथ लगाइए ये और सामने देखिए सामने ऐसे चाहेंगे आज म्यूजिक एल्बम का नाम रघुनाथ खान जी के तो कैसे मुबारकबाद देनी चाहेंगे उनको मैं आज इसलिए यहाँ पर आई हूँ कायनाथ जी का जो डेब्यू है लव का टॉनिक बहुत ही अच्छा टाइटल है और मैं इनको तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा हुआ है और मेरे बहुत सारे विशेष हैं इनके लिए कि इनका जो ये एल्बम है लव का टॉनिक बहुत सक्सेसफुल जाए बहुत सारे लोग जो एक्टिंग में आते हैं Thank you.
मैं पूछना चाहूँगा फिर से वो सवाल पूछूँ लव का टॉनिक का जो लॉन्च है क्या कहना चाहेंगे मुबारकबाद कहना चाहेंगे कैनन जी को कैनन जी की जो फर्स्ट एल्बम है लव का टॉनिक इसे इंट्रोड्यूस हो रही है तो मैं इनको अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि इनका ये एल्बम सुपर डुपर हिट हो जाए काफ़ी सारे जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं म्यूजिक वीडियो में काम करने का उनको मौका मिलता है और आपको कभी ऐसा मौका मिला है किसी म्यूजिक वीडियो में अपना एक्टिंग यस यस मैंने भी एक म्यूज़िक वीडियो चाहत फीलिंग्स ऑफ लव जो अब्बास मिर्ज़ा की थी इसमें किया था और ये काफ़ी हिट हुआ था जिसमें सना खान भी थी मेरे साथ में और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे और आप नेट पे देख सकते हैं बहुत ही प्यारा एल्बम था ये आई तारो भरी रात बहुत ही प्यारा गाना था मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना अभी भी सुनती हूँ हाल ही में अपना जन्मदिन भी अपने मनाया तो पता है कितनी खुशी मिली कौन लोग इन्वाइटेड थे जन्मदिन पे जन्मदिन में मैंने जिनको इन्वाइट किया सभी लोग आए थे और इनफैक्ट जो बॉम्बे में होते हैं तो डेफिनेटली आते हैं और मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से काफ़ी खुश हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा सामने से खुद ही फ़ोन करके पूछते हैं कि अब आपका बर्थडे आ रहा है कहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो तो मुझे अगर मुझे नहीं भी करना है तो मुझे उनके कारण सेलिब्रेट करना पड़ता है ये एक खास बात है और लास्टली कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और कब तक वो प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे मेरी तीन फिल्में हैं जो बनकर रेडी है तू ही तो मेरी जान है राधा और राधे रंगीला हर हर महादेव तीनों फिल्में थोड़ा थोड़ा सा पैच वर्क और सॉन्ग्स वगैरह बाकी है तो ये जब भी पूरा होगा आपको देखने मिलेगा और अभी इसी महीने आपको एक बड़ा गुड न्यूज़ देने वाली हूँ हिंदी फिल्म है तो वेट एंड वॉच थैंक यू बोलना हो गया तो बोलो अरे आप लोग का हो गया हो गया मैम हो गया एक मिनट करेंगे और इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी मुझे डांस नहीं आता लेकिन बहुत ही कम टाइम में 4 डेज में हमने कोरियोग्राफी की देन ये सब किया मुझे बहुत अच्छा लगा और इस गाने को लिखा है रंजन ने अमिताभ रंजन रिक्वेस्ट करूंगा कृपया इधर आए रंजन और शिवम पक्ष हैं और इस गाने को जो गाया है ऋतु पाठक ने जिन्होंने जलेबी बाई गाया था वो आज अपने गांव में है तो नहीं आ पाई और आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट सना टू प्लीज ज्वाइन टू रिलीज दिस सिंगल ऑफिशियली आवर कोरियोग्राफ प्लीज कम Obviously, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है and knowing Kainat that she's not from a you know filmy background that she's not someone who's so trained and who knows everything but I think there's always a start there's always a beginning and हम जब काम करते when we do more we learn more we experience more so I really hope that whatever her dreams are the reason why she's come with this music video gets fulfilled and she moves ahead in life positively in this journey thank you I request somebody to please bring the cover to official launch the cd pack yeah raj camera thoda aage bas first step close up close come close laiye sir sidhi laiye jamil bhai मैम सामने क्या आपके लेफ्ट में अभिनंदन जी यहाँ देखो सामने देखिए सामने तांबे लीजिए तांबे को देखिए इधर वरिष्ठ फोटोग्राफर बोलो बोलो कैमरा
आज इनका दिन जी, अगर मुझे गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन मैं स्टार्ट करूंगा। और जब आप डांस कर रही थी तो क्या कुछ फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि आपने कहा कि आपने डांस नहीं सीखा हुआ है, तो क्या कुछ किस तरह से खुद को ढाल दिया एज ए डांसर? एक्चुअली डांस मेरे को थोड़ा बहुत आता था और इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं करूँगी, लेकिन डांस के लिए थोड़ा, लेकिन हमारे जो कोरियोग्राफर है कौशल सर, उन्होंने बहुत मेहनत की और ओनली फोर डेज में मैंने कवर किया। जी बिल्कुल। आपको शुरू से एक्टिंग करने का शौक था? जी, मुझे एक्टिंग का शुरू से ही शौक था, लेकिन मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, डांस क्यों नहीं सीखी आपने? अब क्लासेस ज्वाइन करेंगी क्या? जी क्लासेस ज्वाइन करूंगी। एक्चुअली आई एम नॉट परफेक्ट, पर थोड़ा बहुत डांस आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ओके सना, हाउ हैव यू बीन? आई एम गुड, हाउ आर यू? Fine, thank you. Achha, your photograph has become very viral with Salman. अभी आपने बाहर कहा कि अचानक मिल गई थी इसलिए शर्मा गई थी ना? हाँ। Actual reason क्या थी शर्माने की? मैं, हम एक दूसरे को देखते तो शर्मा जाते हैं, वो natural feeling है। Thank you. Thank you. Thank you. The official launch has been done now, and ek only three aap log aaye thoda baithiye akha aur dekho yeah please thank you ma'am open the yeah steady hal bhi hai ma'am samne ma'am samne ma'am please yes old sunil mila ha are sunil mila nahi hal hai ab nahi khol denge photo without yes look look camera without ma'am mila थैंक यू मैम। मैडम यस थैंक यू।